उन्होंने उत्ते सवाल करता कहते फिर तू कहने सवेर तो लग्या रहा इन्ना जोर लाया कारवां नूं पांडवां नूं समझाया भी इन्ना साडा सर्वनाश हो जाना भी सारे मर जाने ना ही बाकी रहने बाकी सारा दस्या तुसीं भी ये फिर कहने की लोड़ सी वह कहते ये भी नाले लिखा हुआ सी भी मैं समझाना इन्ना कुछ भी इन्ना कुछ आने के बावजूद फिर यह होना वह सारी एक खेड हो रही वो और जिहड़ा गुरमुख है वो खेड विच फिर सरगुण आप निर्गुण भी हो ही सरगुण होके कितने खेड रहा कितने निर्गुण होके खेड रहा वो खेड हो रही केल करत विच स्वामी मेरा आपे ही राजन आपे ही राजा कह कह ठाकर कह कह जीरा कितने राजा बनया हो कि परजा बनया हो कि गुरु है कितने चेला है यदि सरगुण की खेड हो रही तो जो निर्गुण से जाने उत्थे भी यही हो रही है सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही किल जाप ये उत्ते एक बुक लिखी है बाबा जी ने जिहड़ी ये गल है ना तुसीं करी हुकम रजाई चलना भी हुकम दी खेड लेकिन गल तो छोटी जी सी बढ़ती बढ़ती बहुत वड्डी हो गई विश्वास श्रद्धा बनाने वास्ते ना सारे सुन साखी मन जप प्यार हुण जिवें आपां भाई भखारी की साखी ले ली उहदे नाल साडे अंदर भी प्यार आऊगा जे आपां हुण सुण के जां पढ़ के तर्क आ जावे क्योंकि बंदा जदों बुद्धि मंडल च हुंदे ना उहदी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है फिर हर गल के उत्ते तर्क जी आनी शुरू हो जाती है भी यह किवें होया एक तां इत्थों टैलीफोन गया साडे बाबा जी कोल भी मैं पहला इन्नी बाणी पढ़ता सी मेरा इन्ना नितनेम सी सुखमनी साहब आ पंज बाणियां सारियां आपां पोथी दा वी सारा कहिंदे मैं तां कहिंदे सारा कुछ छड्ड के हुण नास्तक हो गया बाबा जी कहिंदे तैनूं कसंग मिल गई कहना मैं तो गुरुद्वारे तो बिना कितने जाता ही नहीं कहते तेन किसी ने कहता उ भी आ तोता रटन है जो बार बार आप करी जाते मैं तेन उदन तेरे तेरे दिमाग च बहगी तू हूँ छड़ के बह गया कहते साबण है हम महाराज ने मिसाल दी जे तो तोता रटन है जो बार बार आप करी जाते मस्त के हो गया बाबा जी कहते तेन कसंग मिल गई कहना मैं तो गुरुद्वारे तो बिना कितने जाता ही नहीं कहते तेन किसी ने कहता उ भी आ तोता रटन है जो बार बार आप करी जाते मैं तेन उदन तेरे तेरे दिमाग च बह गई तू हूँ छट के बह गया कहते साबण है हम महाराज ने मिसाल दी जे तो थोड़ी जी खेह लगती है पानी उतर उतर जाती है जे मूत पलीती कपड़ो दे साबण साबण लाना पैंदा हुण मत है जी मैल नाल भरी हुई है इनू बाणी नाल इनू आपां धोने बाणी नू बाणी गुरु हर राय पातशाह जी ने पूछा भी बाणी पढ़नी जरूरी जां नाम जपना कहिंदे दोने जरूरी है बाणी है जिहड़ी धरती है बीज है नाम बीज सुरदुख सुहागा भी जे धरती नू पाई जाने विच बीज नहीं पाउंदे फली भूत नहीं हुंदा भी दोहे चीजां जरूरी है फिर यदि डेफिनेशन भी दसी है भी बाणी कदों पढ़नी चढ़े दिवस गुरबाणी गा है पहला तो बैठ के ध्यान से बैठो अमृतसर का इशनान दसिया भी अंदर का सारा बाहर तो महाराज ने एक आपां समझाने वास्ते हरिमंदर बनाता है शरीर हरिमंदर है ये ही कहते नाम का अमृत का सरोवर है हम समझ किमें आती उन्होंने देखो सचखंड का नज़ारा सामने दिखाता फिर वो सामने हरिमंदर है आले दुआले पानी है पानी च बाणी का असर है वो असर होने करके बाणी का उन्होंने अमृत का सरोवर कहने रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते इस तरह यह प्रतीक है बाहर क्योंकि बंदा हर गल से सोचता भी यह किवें होगा फिर ये अंदर ये सारिया चीजें आ जाए जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पाल है जोड़ा उ जो सैल्फ रिसर्च कर इस करके भी हूँ जिमें साबण है मूत पलीती कपड़ हो दे साबुण ले आओ तो साबण तुम लाई जाओ ध्यान है चाहे नहीं ध्यान है उन्हें मैल कट देनी है तो इस तरह बाणी है भी इन छो ना जोड़ा कह देने भी ये तोता रटना है भी ये पढ़न का की फायदा असल जी इन्हू लगे रहो नेम ना छो भी नेम नभाओ वो तो बाद फिर जो टाइम है न क्योंकि सुरत जो बहर ना आती फिर बाणी पढ़ो चढ़े दिवस गुरबाणी गा दें बहद्या उठद्या हर नाम ध्यावे पर जोड़ा अमृत वेला है भी उस टाइम पर तुम आ ध्यान च बैठो अभ्यास करो सास ग्रास जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन भावे उस टाइम पर जो बैठोगे फिर वह जो ज्ञान आऊगा सानू वह अनुभव होंदा वह अनुभव तो फिर सानू जो कोई सवाल भी है वह जवाब अपने आप होंदा एक संता को चला गया कहना जी मैंने ये सवाल मेरे इन्ने भी मैं टाइम लेना कहते तू सा टाइम नहीं खराब करूंगा भी एक साल तू हले सेवा कर फिर आई साढ़े को साल बाद आया ही ना कहते तू भी पूछया नहीं सवाल कहते हम सवाल सारे खत्म हो गए वह सेवा करके शरदा चा के अंदर धोता गया बे साबुण ले आओ तो जिम्मे मसाल दी भरी मत पापा के संग धोपे नाने के राजा वह मैल उतर गई अंत शिकरण चार का जोड़ है मन है बुद्ध है चित है अहम भाव है ये चार नूं जुड़ के अंतशकरण कहने अंतशकरण एक शीशे वांग हुंदा जे वह धुंदला उहदे विच सानूं अपने परमात्मे दे दर्शन नहीं हुंदे उहनूं मन नूं फिर इस तरह रोकदे आ भी मन दौड़दा है श्वास दे उत्ते दौड़दा श्वास दी जुगत महापुरशां नूं दस दित्ती भी श्वास ते अंदर नूं जांदा वाहे बाहर नूं आउंदा गुरु भी हुण इह मंत्र होगा गुरु दे लोक आपे ले जूगा हुण इत्थे बाबा सतनाम सिंह जी 24 साल तो यही करते रहे बाबा जी ने उहनां नूं जिवें जुगत दसी ऐ सतसंग करिया करो सतसंग तो उहनूं ही कहने जिहड़ा अंदर दा रस्ता खुले
संत संग अंतर प्रभ जेठा भी अंदर अंदर दी रसत होवे फिर वो जिहड़ा असली ज्ञान होंदा जिहड़ा आपां किताबां तों जां सुणिया सुणाया ये ज्ञान जिहड़ा वो शंके नहीं निवृत्त करदा इक साडी बुद्धि मंडल च तां साडी बुद्धि तरक्की कर जांदी है जिवें हुण मिशनरी पढ़ के इन्नियां डिग्रियां ले गए जिवें हुण बर्म बूंगा खोलता बर्म दी बर्म ज्ञान दी डिग्री देती डिग्री जिहड़ी होंदी दुनियादारी दी होंदी है जिहड़ा असली ज्ञान है अंदरों प्रगट होणा वह फिर हुण ज्ञान देख लो बच्चे नूं अंदरों प्रगट हो जांदा पहला मां दसदी भी तू अग दे नेड़े ना जाई उदों फिर अनुभव होगा जो नेड़े जाऊगा उन्हें सेक लगेगा पहला जे कितना उन्हें अखरी ज्ञान सुन लिया प्रैक्टिकल जिवें साइंस का ला है इन्हें तो कदे भी प्रभाषित नहीं करते डेफिनेशन नहीं होंगी स्टेट कर दे स्टेट का मतलब होंगे भी वो एक्सप्लेन करने वास्ते एग्जाम्पल देनी हम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का पता भी H2O पानी है पर वह है सूक्ष्म है दिसदा नहीं साइंस कहती है जो तक उन्होंने एक्सप्लेन करने वास्ते एग्जाम्पल लबोरटरी च दने हाइड्रोजन कट्ठा कर लिया H2 फिर ऑक्सीजन हो गई H2O वाटर बन गया वो सामने भी दिसन लग गया ये इस तरह के नाल प्रैक्टिकल तजर्बे तो बाद ही गल्लां आउंदियां एक एक कला जी बराग की आँदी है ना शरदा बनाउंदी है वह कई कई जन्म का दुख पैंदा फिर आउंदी है जे तर्क आ जावे तां कहिंदे महापुरश अनुभवी दसदे 36 कला बराग दी नष्ट हो जांदी ते भावना नहीं बनदी इसे करके तर्क जो आ जाती है शरदा नहीं बनती शरदा नहीं बन करके फिर गल् जंके बहुत हो जाने खड़े संख्या की निवृत्ति तो अंदरों ही होंगी जो साधना च पे राड़ा साहब की संप्रदाय तो साधना ही नहीं कराई संत महाराज तो यही कहें रहे राड़ा साहब वाले भी दराग रुख लाओ सही तो करो नानक सर वाले उन्होंने भी अगे हो गए वह कहें एवं पुरने ना करो लंगर दिया भी रोटी रे आपे आऊगी बन के भी बैठ के नाम ही जपो ऐ साधना कराते हुण जिहड़ी गुरमत है जिवें तुसीं है बाबा जी का जीवन से उहदा राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर ग्रिस्त में भोगी एक एक इंसान च सारे गुण भरते भी बंदे कि मास जी का धर्म है भी एवें ना फिर होर पास गुरु पैर महाराज ने गुरु नानक महाराज ने देखो आप खेती भी करी उदासियां भी धारण करियां इस करके प्रैक्टिकली दिखाया सारा फिर हुण बाबा जी का भी देख लो जीवन यही रहा जिवें तुसीं दस्सिया देख लो खेती भी करके 12 साल फौज च भी रहे 12 साल जॉब च भी रहे जिहड़ी करी कैरो वर्गियां नाल एक बार कैरो कहना भी तुम हूँ लिया नैचुरल कलैंटी भी हूँ तो लोग हड़ के होने बाबा जी कहने मेरे वाली सेंस काम करती साइंस नहीं भी मैं पहले ही देख लिया पूरा चल रहा नहीं आया पहले ही सर्कुलर कटते सारे भी उची जगह चले जाओ भी हड़ आने भी मीह इन्ना पैना कहते 8 दिन पहला ही मैं सारे सर्कुलर कटता से हले जी तेरे टेबल से आई है तू कहना इन्नी लेट आई भी हड़ के आने कहते मैं उन्होंने कहा भी हले सियाई नहीं सुखी स्टैंप की भी मोर से सैनिंग करने कहने अंगूठा फेर के उन्होंने दिखाया भी इन्नी स्पीड ना काम होंगे कहते मैं 6 बजे बह जाना जाके सीट पर सुपरटेंट से 11 बजे तक रात दे लगे रहना सारे एक अंग्रेज अफसर से उदो उ कहना फ्लैक्चर कहना भी तू इन्ना क्यों करता कहना मेरा यह गुरुद्वारा है भी जे कोई हट गया मैनू दोष लगेगा तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा यह मेरी सेवा है मेरा गुरुद्वारे का कहने हादसा बहुत बड़िया भी जाड़ो धरती धर्म की सच्ची धर्म सार देख लो नहीं तो बंदा 9 to 5 ड्यूटी होंगी टाइम देखी जाता साढ़े दरवाजे है एक दिन अभी मिलने गए साढ़ा ही सिंह नाले जथेदार